नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में एक नया प्रोग्राम ऐड करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम बनाना है आपको दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए। सी लैंग्वेज में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट आता है। स्ट्रिंग्स का मतलब है सिंपल सा, हमारा नाम और नेम और सरनेम, इन दोनों को ही हम आपस में ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए ये प्रोग्राम है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं कोड ब्लॉक पर। ये देखिए दोस्तों, और मैं यहाँ पर आपको पहले इसको समझा देता हूँ। हमने दो लाइब्रेरी हेडर्स फाइल लगा दिए हैं, stdio.h और string.h। string.h लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो इसके प्री डिफाइन फंक्शन को इस्तेमाल करने वाले हैं वह इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। हमने मेन जो है लिख लिया है इंटीजर टाइप का। हमने दो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप्स के वेरिएबल लिए हैं, S1, S2, और ये जो एरे क्रिएट किया गया है इनका साइज 100 रख दिया है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि प्रोग्राम में समझाने के लिए आपको कोई एरर ना आए। मान लीजिए आप इनिशियल लेवल पे हैं और आप यहाँ पे 10 साइज रख देते हैं और कोई बड़ा नाम आप वहाँ एंटर कर देते हैं और कोई एरर आता है, तो उस तरीके की कॉन्फिडेंस को लो नहीं करते हुए, मान लीजिए हमने 100 ले लिया है। प्रिंट एफ, मैंने पहली बार में फर्स्ट नेम को एंटर करा दिया है। और गेट एस, ये स्कैन एफ की तरह ही काम करता है, स्ट्रिंग में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गेट्स एस में S1 के अंदर जो है पहली वैल्यू आने वाली है, ये आप देख रहे होंगे। इसके अंदर जो है S1 के अंदर हम जो भी पहला नाम देंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। हम लास्ट नेम देंगे, सरनेम, वो गेट एस की मदद से S2 में स्टोर हो जाएगा। और ये फार्मूला है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फार्मूला जो है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे strcat, ये जो strcat है इसका मतलब है स्ट्रिंग। str का मतलब है स्ट्रिंग, कैट बीन्स कॉन्केटिनेशन का ये काम करता है दोनों को जोड़ने का। तो आप strcat जैसे ही दोस्तों इस्तेमाल करेंगे, ये करेगा क्या, ये जो है इन दोनों ही चीज़ों को ऐड कर देगा। आप ध्यान से देखिए, strcat के अंदर मैंने ब्रैकेट में वह दोनों वेरिएबल्स जो कैरेक्टर टाइप्स के थे उनको रख दिया है, S1, S2, जिस क्रम में मुझे रखना था, जिस क्रम में मुझे उन्हें जोड़ना है मैंने रख दिया है। देन लास्ट में हम प्रिंट एफ की मदद से योर फुल नेम इस, इसके बाद परसेंटेज एस लगाया जा रहा है क्योंकि स्ट्रिंग आने वाली है, और S1 को ही हम जो है यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं क्योंकि S1 के अंदर ही ये कॉन्केटिनेट हो गया होगा इस फंक्शन की मदद से, और एक साथ जो है नाम प्रिंट होकर आने वाला है। तो दोस्तों आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद मैं यहाँ अपना पूरा नाम लिखता हूँ, ये मैंने पहला नाम लिख दिया है, ये जो है मैंने अपना दूसरा नाम लिख दिया है। अब मैं जैसे ही हिट करूँगा एंटर, देखिए यहाँ आ गया है योर फुल नेम इस, और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों जो है दोस्तों आपको जुड़े हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है और ये नाम हमारा जो है एक साथ जो है यहाँ पर लिखा हो गया है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को एक बार खुद बनाकर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब स्ट्रिंग के कंसेप्ट के कुछ आने वाले प्रोग्राम्स हम बनाएंगे जिससे कि आपका स्ट्रिंग का डाउट जो है क्लियर हो जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।